नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं डायल 100। आज हम आपको दिखाएंगे जुर्म की वो तस्वीरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हमें रहना होगा इनसे सावधान। ये गुनाह के वो मामले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायल 100। देश की राजधानी दिल्ली में दबंगों की दबंगई और वो भी तमाशबीन बनी रही पुलिस के साथ। डायल 100 में आज सबसे पहले बात एक उस गुनाह की जहां पुलिस देखती रहती है, या यूं कहें कि वो तमाशबीन बनी रहती है और कुछ लोग करीब 80 साल की एक महिला की पिटाई करते रहते हैं। और इस दौरान जो शख्स इस घटना का वीडियो तैयार करता है उसे भी पुलिस की मौजूदगी में ही पीटा भी जाता है। मामला पुलिस के आला अधिकारियों समेत दिल्ली महिला आयोग तक भी जा पहुंचा है, लेकिन फिलहाल कार्रवाई जीरो। देखते हैं ये रिपोर्ट। ये एक वो तस्वीर है जो बुजुर्गों की हिफाजत की असल कहानी बयां करती है। ये एक वो तस्वीर है जो दिखाती है कि दबंगों की दबंगई के सामने पुलिस भी मौन हो जाती है और जहां किसी को भी प्रताड़ित किया जा सकता है। जब इस घटना का वीडियो तैयार करने की कोई हिमाकत करता है तो उसे भी पीटा जाता है, जिसकी वजह से आगे की घटना कैमरे में कैद नहीं हो पाती। इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद अब आप भी समझ गए होंगे कि दिल्ली पुलिस चाहे जो दावे करे, लेकिन बुजुर्गों की हिफाजत और उनके साथ इंसाफ करने की रफ्तार कैसी होगी। साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाना इलाके के खेत में किसी विवाद को लेकर इस महिला को पीटा जाता है। मौके पर पुलिस भी पहुंचती है, लेकिन वो भी बेबस नजर आती है और हालात ये हो जाते हैं कि इस बुजुर्ग महिला को गिरते गिराते थाने पहुंचना पड़ता है अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए और इंसाफ की मांग के लिए। उम्र के इस पड़ाव में आकर इस 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने शायद सोचा भी नहीं था कि राजधानी दिल्ली में इंसाफ के लिए जख्मी हालत में ही उसे थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे। इस बुजुर्ग महिला की नम आंखें ही इसका दर्द बयां करती है। दरअसल बीती 4 फरवरी को जब ये महिला डेरा गांव स्थित अपने खेत में पहुंची तो वहां पर कुछ दबंगों ने इस बुजुर्ग महिला कृपाली देवी की जमकर पिटाई कर डाली। पीड़िता के पोते ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद मौके पर दिल्ली पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। लेकिन पुलिस के सामने एक युवक ने जब दबंगों की वीडियो बनानी चाही तो एक दबंग ने युवक के थप्पड़ तक चढ़ डाला। देख लो मेरी दादी छोड़ दो, मुंह बचाने के मारे बक्के गया, वो भी उठा दिया, राम ही कूट लिया, खेत में बड़न बिना लिया। आप कहाँ पर खड़े थे, कहाँ गए थे आप जो आपके साथ मार पिटाई हुई? मैं उनको खड़े थे, मेरे खेत में बड़ा पेड़ है, वो खड़े खम्मा गाड़ रहे हुए, मैं वहां जा खड़ी हुई, मैंने कही भाई मुंह पर हाथ जुड़वा लो, मेरे खेत पर छोड़ दो। जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे आपकी जगह पे? मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे खेत पर छोड़ दो, मेरी एक नौसड़ी मुंह मारा लगे गुस्सान पर लाठन पे, मेरी चैन छीन ली, मेरा बंदूक डर दिया, मैं डर गई, मेरे पोते मार रहे, जब मेरी एक नौसड़ी मैं ठीक हूँ चिल्लाऊ। पुलिस आपकी किसी तरह की कोई हेल्प नहीं कर रही? नहीं हेल्प नहीं करी, एक लेडीज ने मेरे पैर पकड़े, दो ने मेरे हाथ पकड़े, नंगे से लेके मुंह खींच के जीप में गिर के। दरअसल ये सब कुछ हुआ जमीनी विवाद के चलते, जिसके बाद कुछ इस तरह की तस्वीर तैयार हुई। बुजुर्ग महिला के परिजनों के मुताबिक दबंगों ने यहाँ अपनी पूरी तैयारी की हुई थी और पुलिस भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर पा रही थी। झगड़ो करो, हमारो खेत है, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, और हरियाणा की दिल्ली की पुलिस सब पहले खड़ी कर ली हुई, मेरी सास गई तो वो जबरदस्ती खंभा कटवा रहे और लेबर लगी हुई है। जब इन्होंने बोला कि मेरे खेत में कब्जा मत करो, बाहर हो जाओ,
तो उसकी गैर 10-15 गुंडे और वो खुद ये रोकने गई तो गैर के नीचे ब्रह्म सिंह को भाई खिला से उसके साथ गए गुंडे जबरदस्ती गैर के खेत में जब बढ़ गया कि हमारे खेत में कब्जा मत करो बाहर हो जाओ तो गैर के मार पिटाई करे एक पोता बेटा हमारा वो बचाने गए तो वो भी मारे और फिर हाथ पैर पकड़ के इसके खून मारे लात घूसा मारे गोडे में चोट लगी इस मामले को लेकर महिला के परिजनों का कहना है कि उन्होंने घटना के बाद आला पुलिस अधिकारियों से मिलने की भी कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। हम कल गए थे वहाँ DCP ऑफिस वहाँ हम लेटर लेकर आए हैं जब हम उन्हें मिलने की कोशिश की तो उन्होंने कह दिया कभी साहब नहीं है यहाँ 2-3 घंटे बाद आएंगे। फिर हम ACP ऑफिस गए हैं वहाँ भी साहब नहीं मिले हम ACP को कॉफी दिया है। फिर हम यहाँ थाना आए थे एक कॉफी हमने इनको दी थी। हम यहाँ आते हैं तो हम हमको ये कह देते हैं कि हरियाणा जाओ या तुम्हारा मैटर नहीं। अस्सी साल की एक महिला के साथ हुए जुर्म के बाद अब दिल्ली महिला आयोग भी हरकत में आया है और आयोग की एक टीम पीड़ित महिला से भी मिली लेकिन इस मामले में टीम के लोग भी चुप्पी ही साधे रहे और मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार करते रहे। FIR करने में क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम कहाँ पे? सर कहो थोड़ा सा ना आप ये सब सारे स्टेटमेंट आप थोड़ा दिल्ली महिला आयोग से ले लो। वो सब स्वाति मालीवाल से लेंगे ही। आपको मैं मौके पे आए हैं आप तो बताइए सिटीजन लेडी से मिली है क्या तो उन्होंने बताया होगा ना उसके उस लेडीज के साथ ये हुआ है? नो कमेंट सर। दिल्ली महिला आयोग नहीं मार पिटाई आप ना एक बार मैं स्वाति मालीवाल से बात करा दूं कोई बात नहीं आप ना उसे ले लीजिए मार पिटाई कुछ हुआ है कुछ तो बताइए आपने देखा है? हमने नहीं देखा हमने बस सीनियर सिटीजन को देखा है आप ये उनके साथ मार पिटाई हुई है सीनियर सिटीजन वो आप दिल्ली महिला आयोग से ले लीजिए। नो कमेंट सर नो कमेंट। अब ऐसे में बुजुर्ग महिला और इसका पूरा परिवार खासा डरा हुआ है क्योंकि जब पुलिस के सामने ही दबंगों ने जमकर हंगामा किया और मारपीट तक कर डाली तो फिर पीछे से तो क्या हो अंदाजा लगाया जा सकता है। 80 साल की बेवा कृपाली जहां इंसाफ के लिए पुलिस की दहलीज पर ठोकरे खाने को मजबूर है वहीं अब दिल्ली महिला आयोग ने इस पूरे मामले को खासी गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस के उच्चाधिकारियों से निष्पक्ष इंसाफ की मांग की है लेकिन देखना होगा कि आखिर नतीजे क्या होते हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।